हाँ सर, महिलाओं को पूर्व की भांति 5% परीक्षा फल में रियायत मिलता था, जो कि इस बार नहीं मिला, जबकि बीएसईबी अध्यक्ष प्रेस रिलीज नहीं, क्या आरक्षण की समस्या है महिलाओं के लिए? हैं कहाँ, शिक्षा विभाग में हैं कहाँ, किस चीज का हो रहा था पुष्टि? बिहार स्टेट है, स्टेट 2019। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद। आज जनता के दरबार में सीएम कार्यक्रम के तहत बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम नीतीश कुमार के आगे रखी। उसके बाद उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लेकर के मुखरता से अपनी बात को कहा। आपको हमारे चैनल पर यह सारे वीडियोस आज की लिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन में आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जनता दरबार और सीएम नीतीश कुमार के बयान से जुड़ी हर खबर आपको मिल जाएगी। मगर अभी जिस खबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि एसटीईटी 2019 में 5% की रियायत जो महिलाओं को मिलनी थी, जैसा नोटिफिकेशन में भी कहा गया था, वो नहीं मिलने की बात एक लड़की ने सीएम नीतीश कुमार के आगे रखी। तो सीएम नीतीश कुमार ने उसे जिम्मेदार विभाग के पास भेजा और कहा कि इसको लेकर के हम लोग विचार करेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे उसके बाद शिक्षा विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है ये तो देखना होगा। मगर इस लड़की की बात को सीएम नीतीश कुमार ने सुना है और जिम्मेदार विभाग जो है शिक्षा विभाग उसके पास भेजा भी है। और जिक्र है उस लड़की ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के बयान का भी किया। आप आगे वो चंक सुनिए वीडियो का, जो लड़की एसटीईटी के बारे में सीएम नीतीश कुमार से बात कर रही होती है और 5% आरक्षण की बात को सीएम नीतीश कुमार के आगे रखती है। बोलिए ना, क्या समस्या? हाँ सर, महिलाओं को पूर्व की भांति 5% परीक्षा फल में रियायत मिलता था, जो कि इस बार नहीं मिला, जबकि बीएसईबी अध्यक्ष प्रेस रिलीज। क्या आरक्षण की समस्या है महिलाओं के लिए? हाँ, कहाँ, शिक्षा विभाग में? हाँ, कहाँ, किस चीज का हो रहा था पुष्टि? बिहार स्टेट है, स्टेट 2019। अच्छा, शिक्षा मंत्री बताइए। तो सुना आपने कि सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है, इस मामले को लेकर कार्रवाई करने को कहा है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।